नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। वेलकम यू ऑल इन डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमीज यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो आ रहा है ये आ रहा है आरएमएस के एस्पिरेंट्स के डिमांड पर। हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं पेरेंट्स की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी। सर, इस लास्ट मोमेंट में कुछ आप इंस्ट्रक्शंस लेकर लाएँ जो इम्पॉर्टेंट है आरएमएस एग्ज़ाम के लिए, और ओ एम आर शीट से रिलेटेड बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो बच्चे नर्वस भी हैं कि हम ओ एम आर शीट को किस तरीके से फिल करेंगे। तो आज का पूरा वीडियो उस इंस्ट्रक्शंस और ओ एम आर शीट से रिलेटेड है, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी आरएमएस एस्पिरेंट्स के लिए। मेरा नाम है सूरज आर्या और मैं हूँ एकेडमिक हेड ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सबसे पहले देखिए मैं आपको ओ एम आर शीट दिखाना चाहता हूँ, किस तरीके से आपको इस तरीके से आंसर शीट मिलती है। ओके, और इस आंसर शीट में आप देखेंगे कि किस तरीके से यू हैव टू फिल योर रोल नंबर, आप रोल नंबर भरेंगे। इनको हम अभी स्पेसिफिक देखेंगे, हर एक कॉलम को स्पेसिफिक मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना पड़ता है, सेंटर कोड भरना पड़ता है, फिर क्वेश्चन पेपर कोड है, बच्चे का नाम है, फिर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे जो आपको ओ एम आर शीट के साथ देखने को मिलता है। प्लस साथ में अब आप आंसर्स को कैसे भरेंगे, इन बबल्स को कैसे फिल करेंगे, इसी को ओ एम आर शीट बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर रोल नंबर भी है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी है, आपको बहुत सारे बबल्स को फिल भी करना है, तो किस तरीके से करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, अच्छा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो इट्स वेरी इजी कि आप क्या करेंगे, अपनी आंसर शीट में रोल नंबर भरेंगे। जैसे अगर आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इस तरीके से आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सपोज दिस इज योर रोल नंबर, तो इस तरीके से आप अपने रोल नंबर को भरेंगे। क्वेश्चन बुकलेट नंबर सपोज 0 5 6 7 8 है, तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। उसी तरीके से सेंटर कोड, उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर कोड। ओके, जो इन्विजिलेटर्स होंगे वहाँ पर, वो आपको इन कोड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, तो पहले आप ज़रूर इंस्ट्रक्शंस सुन लेना जितने भी इन्विजिलेटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप फिर इनको भरिएगा, ठीक है। ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही वहाँ पर अलाउड हैं, तो उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, वो भी इंस्ट्रक्शंस में है। फिर नेम ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, और वो भी कैपिटल लेटर में आपने लिखना है। जैसे कि मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, माई नेम इज़ सूरज आर्या, तो सूरज ऐसे लिखेंगे नाम, एक स्पेस फिर ARYA, ठीक है, इस तरीके से आप अपना नाम लिखेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो अगला जो कॉलम है उसमें दे रखा है, उसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं बच्चों को, तो इंस्ट्रक्शंस को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार OMR शीट्स आंसर शीट में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस देख लेता हूँ। ये क्लास सिक्स के इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर हम क्लास नाइन्थ के इंस्ट्रक्शंस भी देखेंगे, ज़्यादातर कॉमन है, लेकिन सिर्फ जो सेक्शंस अलग अलग हैं उनके बारे में भी बात कर लेंगे। बेसिकली सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो कंप्लीट एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप, आपको पता ही है चार ऑप्शंस आते हैं। साथ ही साथ सिक्स्थ के लिए चार सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, इंग्लिश, GK, इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स, ये चार सेक्शंस आते हैं क्लास सिक्स के बच्चों के लिए। उसके अलावा यू हैव ऑल क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, सो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग या नो मार्क्स विल बी डिटेक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर्स, तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ये इंस्ट्रक्शंस में भी दिया है, ये हम भी आपसे कहते हैं कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, बिकॉज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, जीरो मार्क्स शेल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस नॉट आंसर्ड। अगर आप कोई किसी क्वेश्चन को अगर आपने आंसर नहीं किया है तो उसके लिए आपको जीरो नंबर मिलेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें तो हमें मालूम ही है। उसके अलावा राइटिंग रोल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, सेंटर कोड एंड क्वेश्चन बुकलेट सीरीज एट द अप्रोप्रिएट प्लेस इन द आंसर शीट इज कंपलसरी। अच्छे से ध्यान से आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है, अगर आपने कोई भी डिटेल ऊपर नीचे कर ली तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको एक ही ये OMR आंसर शीट मिलेगी। ओके, यू विल नॉट गेट मल्टीपल, ऐसे नहीं कि एक OMR शीट में आपने गड़बड़ कर दी तो फिर आप दूसरी भर सकते हो, इसलिए ये डिटेल्ड वीडियो मैं लाया हूँ ताकि आप अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लो, अभी समझ लो, ताकि एग्जाम के वक्त आपको कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा द कैंडिडेट मस्ट साइन इन द लेफ्ट बॉक्स एट द बॉटम ऑफ साइड वन, अभी हम देखेंगे इसके बारे में कि कैंडिडेट को कहाँ साइन करना है। तो द टाइम अलाउड फॉर द एग्जामिनेशन इज 2.5 आवर, ढाई घंटे का समय आप लोगों को मिलता है, चाहे सिक्स हो या नाइन्थ हो, 2.5 आवर्स आपको मिलते हैं। द OMR आंसर शीट शुड बी रिटर्न टू द इन्विजिलेटर, और जो भी ये OMR आंसर शीट होगी ये आप इन्विजिलेटर को वापस कर दोगे तो हमें मालूम ही है, ठीक है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस फॉर मार्किंग देख लेते हैं आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, यू हैव टू यूज़ ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पेन, ठीक है, तो याद रखिएगा यही इंस्ट्रक्शंस हमने RIMC में भी देखे। अब RIMC वाले भी बॉल पेन का ही यूज़ करने के लिए कहते हैं बच्चों से, तो आप कर लीजिएगा कोई भी एक आइदर ब्लू और ब्लैक, ठीक है, तो आप एक पेन जो भी आपको लगता है जिससे आपको बबल्स भरने में ठीक है, जो पेन आपको स्मूथ लगता है जिससे आप प्रॉपर बबल फिल कर सकते हैं, इसकी एक बार रिहर्सल ज़रूर कर लेना घर पे, उस पेन को आप ज़रूर कैरी करें।
एज सच, क्योंकि लिखना नहीं है तो उसमें एज सच आपको कोई ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर दे रखें कि कैसे आप बबल्स को फिल करेंगे। तो मार्क योर आंसर बाय शेडिंग द अप्रोप्रिएट सर्किल अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको आंसर बी लगा और आपने सी में गोला मार दिया, ठीक है, तो फिर वहाँ पर आप प्लीज़ डो नॉट फील लाइक कि मैं वहाँ पर फिर वाइटनर का यूज़ करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना ओएमआर शीट में। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको लेट इट बी, फिर आप अगले क्वेश्चन में अच्छे से देखिएगा। नंबरिंग गलत नहीं होनी चाहिए, बच्चे नंबरिंग गलत कर देते हैं, फर्स्ट का क्वेश्चन पढ़ा उसका आंसर दूसरे वाले में डाल दिया। नंबरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो फोकस रहते हुए ध्यान देते हुए अपने ओएमआर शीट्स को आप भरेंगे प्रॉपरली। तो इस तरीके से दिस इज़ नॉट द करेक्ट मेथड, ठीक है, ये गलत तरीका है भरने का, ऐसे क्रॉस नहीं मारना, ऐसे टिक मार के भी काम नहीं चलेगा, आधा गोला भर कर भी काम नहीं चलेगा, पूरा इस तरीके से भरा होना चाहिए गोला, तब उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके ओके, याद रखना कि इसको एक मशीन रीड करती है, ओके, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो मशीन है वो रीड करेगी इसको, ओके, तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। सो द सर्कल शुड बी शेडेड कम्प्लीटली विदाउट लीविंग एनी स्पेस एंड द करेक्ट मेथड इज गिवन बिलो, जो मैंने आपको दिखा दिया। इसमें यह है द कैंडिडेट मस्ट मार्क हिज रिस्पॉन्स आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज द रिस्पॉन्स वंस इट इज़ मार्क्ड। एक बार अगर गोला मार दिया तो फिर आप रिस्पॉन्स चेंज नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ध्यान से गोले भरने। द कैंडिडेट मस्ट शेड ओनली वन सर्कल, इफ मोर देन वन सर्कल इज शेडेड इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर। एक से ज़्यादा मत कर देना, आपको लगा पहले बी आंसर है, अरे नहीं अब तो सी आंसर सही लग रहा है, तो दोनों में आपने बबल्स फिल कर दिए, उस केस में यू विल नॉट बी अवॉर्डेड द, उसको गलत माना जाएगा बस। नो रफ वर्क शुड बी डन ऑन द आंसर शीट, ये जो आंसर शीट मिलती है ना ओएमआर, इसमें कुछ और रफ वर्क मत कीजिएगा। आपको अलग से जो शीट्स दी जाएगी क्वेश्चन पेपर्स के साथ, उसमें आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट विल बी डन ऑन द कंप्यूटर, जो मैं कह रहा था मशीन, एंड कैंडिडेट शुड नॉट मार्क एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द आंसर शीट, टैम्पर विथ और म्यूटिलेट इट। ओके, तो उसको बेटा फटनी भी नहीं चाहिए, उसको मोड़ भी मत देना, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि उसको कंप्यूटर रीड करता है, ठीक है, वो उस बेसिकली जो भी इवैल्यूएशन होता है कंप्यूटर के थ्रू होता है, तो ओएमआर शीट आपके इंटैक्ट रहनी चाहिए, उसमें कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए, कुछ आपने ऐसे नहीं कि कोई निशान लगा दिए, ओके, ध्यान रखना, अदरवाइज़ फिर वो इवैल्यूएट नहीं हो पाएगी क्योंकि मशीन उसे रीड करता है, ठीक है। उसके अलावा द अप्रोप्रिएट सर्कल शुड बी शेडेड फॉर रोल नंबर्स, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, सेंटर कोड, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, इसको बड़े केयरफुली करना है, अदरवाइज़ फिर आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट भी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। अपना रोल नंबर, अपना क्वेश्चन बुकलेट नंबर, उसमें भी क्योंकि आपको बबल फिल करने हैं, तो वो एकदम ध्यान से इनविजिलेटर से पूछते हुए आराम से, ठीक है, अपना टाइम ले लीजिएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे, लेफ्ट साइड में जो बात हो रही थी, यहाँ पर जैसे मैं अपने सिग्नेचर कर देता हूँ सपोज, ठीक है, इस तरीके से आप सिग्नेचर करेंगे ऐसे, ओके, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, और यहाँ पर इनविजिलेटर अपने साइन करेगा, इसको मत टच करना, कहीं यहाँ पर अपने साइन मत कर देना, आपको अपने साइन करने हैं सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट में, तो ध्यान से सब कुछ पढ़ते हुए, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं जो आप कैसे आंसर्स को बबल करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी वी हैव सीन इट, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि रोल नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 कहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, तो पहले इसको आप गोला ऐसे भर देंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप गोला भरेंगे। यहाँ पर 2 है तो फिर 2 वाला भरेंगे, ध्यान से गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, एक ही ओएमआर शीट आपको देखने को मिलेगी। 3 है, 3 वाला, 4 है, 4 वाला, 5 है, 5 वाला, 6 है, 6 वाला, आप इसको ऐसे भर देंगे, ध्यान से देखिएगा, आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए बबल को फिल करते वक्त, ठीक है। टेक योर टाइम, आराम से समय लेना, अभी तो रिपोर्टिंग टाइम सुबह मॉर्निंग 7:30 की रहती है, ठीक है, ताकि आप आराम से यू टेक योर टाइम, ये सारी चीज़ें भरने में समय लगता है, ठीक है। और जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जैसे पहले इंग्लिश वाला सेक्शन बच्चों को मिलेगा, क्लास सिक्स वालों को, आप पहले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा, उसमें आप पहले आंसर स्टिक मार लीजिएगा, और आप साइमल्टेनियसली जैसे आपको आपने पहला क्वेश्चन देखा, पहले क्वेश्चन का आंसर बी है, तो आप फटाफट से क्वेश्चन पेपर में भी बी टिक कर देना, और इस वाले में भी बी को भर देना इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, ओके। अगर आपने फिर सपोज क्वेश्चन नंबर 28 देखा आपने इंग्लिश में, और क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर अगर सी आया, तो अपने क्वेश्चन पेपर में भी सी टिक कर लिया, ताकि बाद में इवैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, और यहाँ पर भी हम सी को ऐसे टिक कर देंगे, ठीक है, मतलब ऐसे नॉट टिक कर देंगे, सॉरी, ऐसे हम लोग इस बबल को फिल कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ओके। अब इसमें और भी सेक्शंस हैं, और भी सेक्शंस में आपके सामने डिस्कस कर लूँ, ठीक है। इसमें फिर जनरल नॉलेज का सेक्शन आएगा, लेफ्ट साइड में क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जिस तरीके से हमने रोल नंबर भरा था उसी तरीके से आप क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी भरेंगे, और फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरीके से आप बबल को फिल करेंगे।
उसके बाद सेंटर कोड प्रॉपरली भरना जरूरी है। सेंटर कोड अगर 07 है सपोज, तो 0 नीचे होता है लास्ट में, ऊपर 1 से पहले नहीं, लास्ट में, तो लास्ट का पहले 0 फिल करा। ओके मैं तो यहाँ पर रब कर पा रहा हूँ क्योंकि इट्स एन इंटरेक्टिव पैनल, वहाँ पर ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इवन यू कैन नॉट यूज़ द वाइटनर, 7 के नीचे 7 वाइटनर भी नहीं, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, आराम से, ठीक है। एक चीज़ ज़रूर करना, एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुँच जाओगे, अपनी सीट में जब बैठ जाओगे, तो लंबी लंबी सांसें ज़रूर लीजिएगा, डीप ब्रीथिंग ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने RIMC के एस्पिरेंट्स को भी बताया था, जब इन्विजिलेटर क्वेश्चन पेपर्स दे रहे होंगे आपको, या साथ में ये जब आंसर शीट्स आपको मिलेगी, OMR आंसर शीट्स, तो लंबी लंबी सांसें, डीप ब्रीदिंग, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस तरीके से सेंटर कोड भरेंगे और फिर इंटेलिजेंस का टेस्ट आप देखेंगे। नंबरिंग शुड बी प्रॉपर, अगर आपने 105 क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका आंसर 106 में डाल दिया, तो फिर नंबरिंग बच्चों की गलत हो जाएगी। तो हर एक क्वेश्चन को करते वक्त आप हर एक क्वेश्चन के रिस्पेक्टिव आंसर शीट भी उसमें बबल को फिल करिए। मैं वैसे बच्चों को ये भी कहता हूँ कि आप पहले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद आप लास्ट में बबल फिल करो, बट ये स्ट्रैटेजी बच्चों के साथ काम नहीं करती, ये स्ट्रैटेजी हमारे साथ काम कर सकती है। आपको तो भैया एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तुरंत उससे रिस्पेक्टिव जो भी वो नंबर है, जो भी वो सेक्शन है, सेक्शन भी देख लेना, इंटेलिजेंस वाला पार्ट अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस में 106 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, उसका आंसर सी आया, तो तुरंत 106 में जाकर मैं सी को के बबल को फिल कर दूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं लास्ट में बबल फिल करूंगा, लास्ट में बच्चे कभी कभी नंबरिंग गलत कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की टेंडेंसी गलतियाँ करने की ज़्यादा है, इसलिए आई डोंट रिकमेंड कि आप पहले सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो और उसके बाद लास्ट में 15-20 मिनट में सारी अपनी OMR शीट या आंसर शीट को फिल करो। ओके, वो ऑप्शंस मैं आप लोगों को देता ही नहीं हूँ, ठीक है, वो ऑप्शंस बड़े बच्चे NDA CDS वाले बच्चों को वो ऑप्शंस मैं देता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है तुरंत उससे रिस्पेक्टिव आंसर शीट में जो भी बबल है उसको फिल करें। ओके, तो इस तरीके से इंटेलिजेंस वाला सेक्शन आ जाएगा, ये सेक्शन, और फिर देन फाइनली क्वेश्चन पेपर कोड और मैथमेटिक्स वाला सेक्शन आ जाएगा। इस तरीके से आप 200 क्वेश्चंस पूरे प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैं 9th की भी आपके सामने जो आंसर शीट है, OMR आंसर शीट है, वो मैं देख लूँ, वही पैटर्न है, हर चीज़ वही है, कुछ अलग देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसमें भी वही 200 क्वेश्चन है, बस सेक्शन से अलग अलग है, वही चीज़ मैं दोबारा आपके सामने रिपीट करने जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे, अगर मैं स्पेसिफिक बताऊं तो स्पेसिफिकली सबसे पहले रोल नंबर, ठीक है, प्रॉपरली रोल नंबर भरेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, जब आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी तो उसमें वो नंबर लिखा होगा। इनविजिलेटर से पूछ भी लीजिएगा कि दिस इज़ द नंबर ना, ओके, तो उसमें बिल्कुल भी आपको शर्माने वाली बात नहीं है। डू नॉट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम द इनविजिलेटर, ओके। जो भी आपको कहीं पर भी डाउट हुआ ना, इतना सा भी 1% भी डाउट हुआ, तो इनविजिलेटर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि OMR शीट में गलती को फिर एंटरटेन नहीं किया जा सकता, ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ओके, उसके बाद तो फिर वो इंस्ट्रक्शन सारे सेम ही है, बस इसमें क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शंस, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस और हिंदी वाला सेक्शन है। बाकी सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेम देखने को मिलेंगे। कैसे भरना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिग्नेचर एंड ऑल, सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, सेक्शंस वही अलग अलग है। साइंस रोल नंबर कैसे भरेंगे, दिस वी हैव ऑल डिस्कस्ड क्लास 6 वाले में, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, मैथमेटिक्स एंड ऑल, ठीक है, सेंटर कोड, इंग्लिश, सेक्शंस हैं प्रॉपरली। फिर से आई विल रिपीट इट अगेन, क्वेश्चन किया साइंस का क्वेश्चन, सोशल साइंस का क्वेश्चन किया, तुरंत 155 क्वेश्चन किया, तुरंत उसके रिस्पेक्टिव आंसर शीट में उसके बबल को फिल किया, ठीक है। सो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। एंड फाइनली जाते जाते मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एडमिट कार्ड्स में क्या क्या आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, फटाफट से एक एक करके देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले जो एडमिट कार्ड है, इट मस्ट बी शोन टू द ऑफिसर सुपरवाइजिंग द एग्जामिनेशन, जो भी सुपरवाइज कर रहा होगा। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुँचोगे तो वहाँ पर आप एडमिट कार्ड प्रोड्यूस करोगे और दिखाओगे। बिना वैलिड एडमिट कार्ड के, अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको डिबार्ड किया जा सकता है भैया एग्जाम से, ओके, ध्यान रखना, ओके। और इसको अपने पास एडमिट कार्ड को बाद के लिए भी रखना, क्योंकि इंटरव्यू और एडमिशन के वक्त भी काम आएगा। सो एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स से कहना कि उसकी PDF संभाल के रखें। उसके अलावा आपने रिपोर्ट करना है ऑफिसर इंचार्ज एग्जामिनेशन सेंटर को एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, तो 7:30 बजे है एग्जामिनेशन, हो सके तो थोड़ा सा पहले पहुँच जाना 7:15-7:20 तक, लेकिन 7:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइमिंग है, ध्यान रखना। एक ही ब्लैंक OMR आंसर शीट आपको मिलेगी, एक ही, तो गलती मत करना, दोबारा नहीं मिलेगी, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ड्यूरेशन आपने देख लिया 2.5 घंटे का है। वॉयलेशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन का आप वॉयलेशन मत करना, उसके अंगेंस्ट मत जाना या कोई अनफेयर मीन्स मत ले जाना, अदरवाइज आपका कैंसिलेशन हो जाएगा, ओके। और डिसीजन ऑफ द लोकल ऑफिसर
इन चार्ज ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर शेल बी द फाइनल, जो भी उसका डिसीजन होगा आपको अगर डिबार्ड करने का तो उसको फाइनल माना जाएगा, बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो कोई भी अनफेयर मीन्स का यूज मत करना, कुछ पेपर्स कैरी करके मत ले जाना, प्रॉपरली अपनी पॉकेट्स को चेक कर लीजिए ना कि कुछ नोट्स तो नहीं रह गए आपके पास, ठीक है, ध्यान रखना। कैंडिडेट शुड ब्रिंग ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। कैलकुलेटर्स का यूज नहीं करना, मोबाइल फोन्स का यूज नहीं करना। एडमिट कार्ड, ध्यान रखना कि एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट है, ओके। और एडमिट कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आप एलिजिबल हो, सारी चीज़ें देखी जाएंगी अच्छे से, ओके। बिफोर आंसरिंग प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस, जो कि हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अगर एडमिट कार्ड बच्चे का खो गया बाय द वे एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते वक्त, तो आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन लिखेंगे जो भी रिस्पेक्टिव सेंटर में होगा कि मेरा एडमिट कार्ड खो गया है, फिर आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको समझ में आ जाएगी वहीं पर। और फिर कुछ कोविड सेफ्टी के इंस्ट्रक्शंस दिए विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अब तो कोविड की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ओके। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जो नर्वसनेस थी बच्चों के अंदर कि कैसे हम OMR शीट को फिल करेंगे, क्या वो इंस्ट्रक्शंस है, आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा बच्चों की जो नर्वसनेस है वो दूर हो गई होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा जो जो RMS का एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, सारे RMS एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।